जय भोलेनाथ। बनखंडी महादेव चक्रपुर के इस मेले में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज इस मेले में अपने इस ब्लॉग का शुभारंभ करते हैं और बनिए हमारे साथ और देखिए इस मेले में आपको क्या क्या चीज़ आकर्षित करती है। चलिए हमारे साथ मेले में। आप बताओ आप क्या 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 मिलता है? कढ़ाई, तवा, लोया, अच्छा चूल्हे पता मिलता है, पहाड़ में भी जाते हैं, यूपी में जाते हैं, उत्तराखंड, सात चूल्हा, ठीक है ठीक है यार। वाह टिक्कियाँ, मेला आओ और टिक्की न खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ देखिए सारे बच्चे चाउमीन टिक्की सब का आनंद ले रहे हैं, हम भी अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। चलिए लो जी आ गए जोशी फास्ट फूड में। अब हमें बताएंगे यहाँ क्या क्या है इनके पास मौजूद सामान। ये हमारे पास टिक्की है, आलू की, ये छोले हैं, ये पानी पूरी है, ये आरओ का पानी है, इसका हम ताज़ा बर्गर बनाते हैं। आज तक चैनल आपका साथ है, देख लीजिए ये बर्गर बना के दिखा दीजिए सबको। मैं दो बर्गर बनाऊँ, ये चाउमीन है, फ्राइड राइस और वहाँ अच्छा। हमारा फास्ट फूड है। तो टिक्की कितने की दे रहे हैं आप? 20 रुपए की है। 20 रुपए की? अच्छा शुद्ध देसी घी की है क्या? शुद्ध देसी घी, ये देखिए पतंजलि देसी घी की है, पतंजलि देसी घी की हमारे यहाँ टिक्की बनती है। अच्छा। और छोले हमारे यहाँ जो फ्रेश बनते हैं, इसमें कोई कलर नहीं है, प्योर चटनी है, गुड़ और उसकी, ये हमारे खेत की वो है, ये हमारा चूट है, पहाड़ का जो चूट है ये, इसकी हमने चटनी बनाई है। ठीक हो गया। और पानी उसका पानी बनता है, इससे बनता है, ये हमारे खेत का धनिया है। लो जी धनिया भी आ गया। हाँ धनिया भी हमारे खेत का है फ्रेश। अब एक टिक्की बना के दिखाएंगे मनोज। तेल में गरम करते हुए ये मसूरी से आए हुए सेफ हैं मनोज। ताजा है, चाउमीन है, टिक्की है, बर्गर है, फ्राइड राइस आ जाओ, ताजा खाओ, बढ़िया खाओ, मजा आ गया। आ गए मिर्च, नमक, हरी चटनी और लाल चटनी, और ये प्याज आ गया ऊपर से, और ये ऊपर से जो है एक नई और चीज। लॉजिक टिक्की तैयार। खाना पीना तो हो गया, अब चलते हैं मेले में सबसे आकर्षक चीज झूलों की तरफ। बड़ा बड़ा ड्रैगन, बड़े बड़े झूले, आओ एंजॉय करते हैं। जल जल्दी बैठी जा चूला, छोड़े बेरा
बोटे कहे छोड़े बेरा कस कही तू मैं मेरी निर्मला इतनी सी लेने। नाम भी लिखा लो हाथों में मेले की याद। गर्मा गर्म जलेबी बन गई, फिर से भूख लग गई, इसे भी चट करना पड़ेगा। अब लास्ट में बारी आती है सब्जियों की। घर जाते जाते कुछ सब्जियां भी ले चलें, और क्योंकि मेला है सब्जियां काफ़ी सस्ती हैं, आप भी आइए और ले जाइए। कैसे बनती भैया ये चीनी का?